बुंदेलखंड क्षेत्र में कांग्रेस के कद्दावर नेता अरुणोदय चौबे के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब कांग्रेस खुरी विधानसभा क्षेत्र में नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की घेराबंदी में जुट गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह शनिवार 17 दिसंबर को खुरी का दौरा करेंगे। नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र खुरी में कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए मुकदमों को लेकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। दिग्विजय सिंह के साथ अधिवक्ता शशांक शेखर के नेतृत्व में वकीलों का एक दल भी सागर जाएगा। दिग्विजय सिंह सागर जिले में विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हुए अत्याचार, उनके खिलाफ दर्ज किए गए झूठे मुकदमों और अन्य अत्याचार का जमीनी मुआयना करेंगे और उन्हें हर संभव मदद देने के लिए कार्यवाही शुरू करेंगे। वे शासन प्रशासन में उत्पीड़न के शिकार पीड़ित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के परिवारों से मुलाकात करेंगे। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में अत्याचार प्रतिरोध समिति का गठन किया था। समिति के पास पूरे प्रदेश में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं पर भाजपा शासन के इशारे पर किए जा रहे अत्याचारों की बहुत सारी शिकायतें आई थी। सागर जिले में शिवराज सरकार के एक मंत्री विशेष रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न में लगे हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अत्याचार में सागर और दतिया जिले की सबसे आगे है। दिग्विजय सिंह पीड़ित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे। शशांक शेखर के नेतृत्व में जा रही अधिवक्ताओं की टीम कांग्रेस के पीड़ित कार्यकर्ताओं को हर संभव कानूनी मदद उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया शुरू करेगी। गौरतलब है कि सागर जिले के विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेल भेज देना, उनके मकानों पर बुलडोजर चला देना, कांग्रेस समर्थक व्यक्तियों पर पुलिस और प्रशासन के अत्याचार करना आम बात हो गई है। कमलनाथ ने टीम को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जो कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उनकी सूची भी तैयार की जाए ताकि जनता यह जान सके कि कौन से अधिकारी संविधान और कानून के मुताबिक कर रहे हैं और कौन से अधिकारी जेब में भाजपा के इशारे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। यह टीम दौरा करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए अत्याचार की विस्तृत रिपोर्ट पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को सौंपेंगे। दिग्विजय सिंह के खुरी के दौरे पर पहले गुरुवार को सागर में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की सरकार में हुए भाजपा कार्यकर्ता के उत्पीड़न के मामले गिनाए। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, कांग्रेस की सरकार में मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया। दिग्विजय सिंह जहां भी जाते हैं वहां षड्यंत्र करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। जनता का उन पर से विश्वास उठ गया है। खुरी में विकास के कारण कांग्रेस जनाधार खो चुकी है। बंटाधार जी को विकास देखना है तो वे खुरी आकर देखें। दिग्विजय सिंह के दौरे के चलते कांग्रेस बाहर के कार्यकर्ताओं की भीड़ खुरी ले जाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि खुरी में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है। माननीय भूपेंद्र सिंह जी के सागर के विशेषकर खुरई में और माननीय गृह मंत्री जी के दतिया जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बहुत ही उत्पीड़न और भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। बलात् पुलिस प्रकरण लादे जा रहे हैं, एफआईआर की जा रही है ताकि उनकी आवाज बंद हो सके। उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, झूठे केसों में फंसाया जा चुका है। माननीय कमलनाथ जी ने श्री दिग्विजय सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है जो 17 तारीख को सागर पहुंची। कांग्रेस की जब सभा में आई की सरकार थी तो हमारे अकेले कोरई विधानसभा क्षेत्र में मुझे प्रताड़ित किया गया, मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर 47 फर्जी प्रकरण रजिस्टर्ड किए गए। तो पहले इसका जवाब दिग्विजय सिंह।